गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम माई न्यू व्लॉग। तो गाइज, व्लॉग अब आज काफ़ी लेट स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं आया हुआ था और गाइज ऐसे फंस गए, इतना दिमाग ख़राब है। वो दोस्त के साथ आया था, बैंक वालों का इतना बुरा हाल है यार, नाम तो क्या लूँ, बस ऐसा ही है। सुबह वो 9-10 बजे का लगा था और अब फ्री हुआ है, 4-5 बज के, कम से कम 4-5 बज चुके हैं, अब फ्री हुए हैं। इतना दिमाग ख़राब है, पूछो मत। मैनेजरों ने इतना आतंक मचा रखा है गाइज, सरकारी बैंकों में काम करके देते नहीं, और हमारे होटल में तो खासकर बहुत ज़्यादा ऐसा मन करा है, बस पूछे ही मत गाइज। अब फिलहाल फ्री हुए हैं, अब जाके दिमाग थोड़ा सही हुआ है, बहुत ज़्यादा ख़राब था। और गाइज फिलहाल आया है दोस्त, वो टैक्स वगैरह कटवाने, हरियाणा का टैक्स कटता है, तो फिलहाल वो दुकान पर है। तो गाइज ये दिखाता हूँ, ये देखो पीछे ये शॉप है जो इस पर, ये तो स्पीकर वाली है, इधर साइड में वो देखो भाई, ये लिखा हुआ है ना, यूपी राजस्थान हरियाणा, हरियाणा का कोई यूपी का टैक्स कटता है, कोई टैक्स ही गाड़ी है इसकी। तो ये रहा, टैक्स कटवाने गया है, तो अभी टाइम लग रहा है, फ़ोन यहाँ से कनेक्ट है, कॉल कर रहा है शायद वो। और गाइस जहाँ बिल्कुल हाईवे के मेढे खड़े हुए हैं, थोड़ा यहाँ भी 10-15 मिनट टाइम लगेगा, तो गाइस फिलहाल वेट कर लेते हैं। और क्या क्या करेगा डॉक्यूमेंट्स, मुझे तो पहली बार आया हूँ मैं इसके साथ, आता है मुझे तो पता नहीं है। प्रदूषण का तो मुझे पता है, प्रदूषण तो बाइक लगाई कट गया, अब टैक्स का पता नहीं किस तरीके से काटेगा, क्या करेगा। और आज गर्मी भी इतनी तेज़ हो रही है ना, बहुत ज़्यादा, पूरा शरीर चिपचिपा, सेविंग भी काफ़ी बढ़ गई है और सेविंग भी खाने लगती है यार, थोड़ी बढ़ जाए ना, हल्की सी बड़ी हो जाए तो खाने लगती है सेविंग। तो गाइस पीपी पेप्सी डकार आ रही है, और अभी थोड़ा अभी फ़ोन पे बात कर रहा है, अभी तो टैक्स कटवा लेते हैं फिलहाल। टैक्स में भी कटवाने में थोड़ा टाइम लगता है, करीबन लग जाएंगे 15-20 मिनट। ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन सिस्टम है ना सारा, अब तो सब ऑनलाइन हो गया। पर हाँ, हेलो गाइज, अब ये वाला, हाँ अब ध्यान आ गया, हमारा ये कोसी वाला टूल चालू हो गया है आज से, उस पर काफ़ी भीड़ है, काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था। बॉर्डर वाला जो भी ब्लॉग देख रहे हैं, बॉर्डर वाला टूल चालू, ये वाला ब्लॉग चालू है, सॉरी ब्लॉग नहीं, टूल चालू है। हम इसी के पास आए थे टूल कटवाने, फिलहाल टूल कट रहा है, कट गया, बस हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से, तो चलते हैं गाइस। अब निकलते हैं बाहर, फोन ले ली। तो भाई इनका ऑटो वहाँ के पास ऑफिस है, ये देखो, और यहाँ पर थोड़ी टेस्टिंग चल रही है, सीएनजी टेस्टिंग होती है यहाँ पे। तो किशन के साथ आए थे, टेस्ट हो रही है गाड़ी। तो बाहर इतनी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एसी में से निकलते बहुत गर्मी लगती है, तो लोग फिलहाल टेस्टिंग करा लेते हैं, देखते हैं कैसे टेस्टिंग करता है। तो चलो चलते हैं पास, आप करिए। अभी थोड़ी पैसे की बात चल रही है, थोड़े पैसे ज़्यादा मांग रहे थे, तो बातचीत हो गई है, और फिलहाल कृष्ण की गाड़ी कर रहे हैं, बढ़िया होगी हमारी बातचीत। तो मालिक से बात करी थी, तो हाँ टेबल मालिक से बात कर लो तब गाड़ी करेंगे। तो पहले पैसे की बात हो रही थी, कुछ ज़्यादा मांग रहे थे, तो फिलहाल बातचीत हो गई, तो अभी कर रहे हैं। तो चलो इतना हम, कितना टाइम लगेगा भाई? आधा घंटा। अरे ये तो हवा ही भरवा के लाए हम सीएनजी, यार दिक्कत हो जाएगी, अभी भरवा के लाए तुरंत ही। ये ना होगा, ये तो बड़े, ये तो बड़े, अच्छा अच्छा भाई, ये तो प्रॉब्लम होगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अभी अभी हम सीएनजी भरवा के आए थे, अब पता है क्या कह रहे हैं, सीएनजी निकालनी पड़ेगी, तो नुकसान हो गया हमारा 500 रुपये का। कृष्ण देख नाराज बैठो, नाराज बैठो, 500 रुपये की चपेट लग गई हमें, और प्लस में 1500 यहाँ देने पड़ेंगे, मतलब 2000 की फट गई हमारी जेब। चलो कोई नहीं, खर्चा जो होगा देखा जाएगा। और पीछे भी गाड़ी कर रहे हैं, वो लग रहे गाड़ी में, और अभी हम यहाँ औका निकल रहे हो, बैठे हैं आराम से गेट पे, क्या करें। चलो अब अभी आध घंटे का इन्होंने कहा वेट करेंगे, तो फिलहाल झोंपड़ी में चलते हैं अंदर, चले हम हम कहा करते रहेंगे, अंदर ऑफिस में चलते हैं। तो इनके ऑफिस में बैठते हैं थोड़ी देर, इतने हम भाई के ऑफिस में बैठे हैं, भाई ने ऑफिस बहुत ज़बरदस्त बना रखा है, ये देखो भाई, जो फूस की छान होती है तो उसका बना रखा है, बहुत ही ज़बरदस्त, अंदर बिल्कुल गर्मियों में ठंडा रहता है। और एसी के लिए भी भाई ने खाना छोड़ रखा है, कुछ यार बोलते हैं भाई, झोंपड़ी एकदम मस्त है, बिल्कुल
ये पंखा वंखा बिल्कुल सेट बना रखी है भाई ने। तो चलो इतने वेट करते हैं, गाड़ी हो रही है, ऑफिस में ही बैठते हैं। ऑफिस के बाहर झोंपड़ी का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा इसमें काम चल रहा है, इतनी मस्त बना रखी है भाई ने ये देखो। और फिलहाल कृष्ण तो हो गए तैयार, कृष्ण को तो वही काम है, हुक्का बजानो। ये देखो हुक्का मिल गया, हुक्का बजा रहा हूँ। तो यहाँ बैठे हम बाहर, गाड़ी हो रही है वहाँ पे, वहाँ वो कर रहे गाड़ी को। तो फिलहाल यहाँ आराम से हवा ले, इंतज़ार ख़त्म काफ़ी देर से, और हमारी गाड़ी होगी तैयार। तो भाई सिलेंडर लगा रहे हैं ये देखो, तो सिलेंडर भर कर आए हमें, तो गाड़ी में फिट कर रहे हैं। हमारा थोड़ा 15-20 मिनट को काम रहेगा, उसके बाद निकलेंगे। तो सिलेंडर की टेस्टिंग होगी, पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। और कृष्ण अपना वहाँ बैठो आराम से, अब ज़्यादा से ज़्यादा हमें 15-20 मिनट लगेंगे, उसके बाद पर यहाँ से निकलेंगे गाड़ी कंप्लीट हो जाने के बाद। तो 10 मिनट का टाइम है बस, कंप्लीट हो चुकी है तो गाड़ी निकाल लेते हैं हम यहाँ से। कृष्ण ड्राइव करेंगे, लीडन को तो जाल बनना पड़वा। तो गाड़ी निकाल रहे हैं, बैक कर रहा है कृष्ण यहाँ से ऑफिस से। टेस्टिंग होगी कंप्लीट गाड़ी आराम से, देखियो भैया हवाबाजी में निकाल है। तो भाई कृष्ण हमारे ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो थोड़ा पलवल और काम है 5 मिनट का, तो फिलहाल पलवल जाएंगे। पलवल से आने के बाद सामान कुछ लेने के बाद फिर हम सीधा घर निकलेंगे। थोड़ा सा रास्ते में और काम है, थोड़ा एसी का, वो भी मैं आपको हल्का सा सूट करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से हाईवे पर। बड़ी दिक्कत आ गई, अभी हम सीएनजी के चक्कर में उल्ली साइड का आए, तो यहाँ भी सीएनजी ना मिली। ट्रैक्टर आ रहा आगे से, सावधानी से ड्राइव कर लें। और फिर दोबारा हमें सीएनजी के लिए जाना पड़ रहा, रोड पर भाग रहे हैं। पहली सीएनजी हमारी ख़राब होगी, हम पलवल जाएंगे। और फिलहाल अब सीएनजी के लिए हम पहुँचेंगे पलवल, कृष्ण कर रहा ड्राइव। देखते हैं आगे कहाँ सीएनजी मिलती है, काफ़ी और एक आगे सीएनजी के चक्कर में यहाँ ना मिली, अब आगे देखेंगे कहाँ पे मिलती है। चलो देखते हैं आगे। तो भाई फाइनली पहुँच गए हम सीएनजी पे, तो थोड़ी लाइन लग रही है, तो सीएनजी डलवा लेते हैं इसमें, क्योंकि वहाँ पे सारी ख़त्म होगी, तो सीएनजी डलवा लेते हैं। लाइन में लग रहे हैं, थोड़ा वेट कर रहे हैं। तो चलो फिर चलते हैं आगे, सीएनजी डल रही है। देखो कितने ग्रोथ है, 300 बनने वाली है मेरे की, अब चलते हैं। तो गाइज हमारी सीएनजी पूरी हो चुकी है 650 के करीबन। तो गाइज चलते हैं, सीएनजी हो गई हमारी कंप्लीट, चलते हैं आगे। तो सीएनजी फुल हो चुकी है गाइज, अब एसी चलाओ कुछ भी करो, और उसके बाद निकलेंगे हम पलवल। थोड़ा पलवल का काम हो चुका है, पलवल से 5 मिनट का काम था, हमने सामान लिया था थोड़ा अपना पर्सनली। और गाइज फिलहाल हम फ्लाईओवर के नीचे चल रहे हैं ये देखो, और चलते हैं घर। तो भाई काफ़ी भीड़ है थोड़ी फुल के नीचे, क्योंकि फ्लाईओवर से ऊपर वैसे निकल जाते हैं, और यहाँ पे भी काफ़ी रौनक है मस्त। और फ्लाई